हेलो सर, खमा गणी हुकुम। आप कैसे हैं? आई होप यू आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और देखो, आज मैं गोटा लगा रही हूँ अपनी ओढ़नी के। देखो, पूरी ओढ़नी के लगाऊंगी। अभी पूरी ओढ़नी पड़ी है बाकी। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। और तो मैं गोटा अपने हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि आजकल तो देखो मशीनें चल रही है पिको करने की ओढ़नियों के, लेकिन मैं अपने हाथ से ही लगाती हूँ। आप कुछ भी समझे, हाँ हो सकता है अभी पैसे नहीं है, पर आप वैसे 30 रुपये लेते हैं पर ओढ़ने के, पैसों से भी लगाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अपने हाथ से लगाना ही प्रेफर करती हूँ। और मुझे कंफर्टेबल लगता है अपने हाथ से लगाना, न कि पैसे देकर, क्योंकि जब अपने हाथ से लगाती हूँ तो ही अच्छा लगता है मुझे। पैसे दे के लगवाती हूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने हाथ से लगाती हूँ, जो दिखने में भी अच्छा हो और लगाने भी आसानी हो। और मेरे वीडियो को एंड तक देखना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर ले। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे ही बस सपोर्ट बनाए रखें। यूट्यूब फैमिली से मेरा निवेदन है कि मेरा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। आपका आशीर्वाद के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं छोटा मोटा बस अपना काम आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। मेरा मोटिव यही है कि भाई, मैं कुछ ब्लॉग बनाने का भी मोटिव यही है कि मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहूं, आप लोगों से जुड़ी रहूं। बस यही मेरी कामना है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मुझे, और इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं वैसे मुझे भी सपोर्ट कीजिए, बस इतना कहना चाहूँगी। और मैं कैसे लगाती हूँ गोटा, आपको कैसा लगता है मेरा लगाया हुआ हाथ से, आप बताना कमेंट सेक्शन में जरूर से। और कहीं से अगर बोलने में मुझसे गलती होती है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझसे कहीं गलती भी हो सकती है बोलने में, क्योंकि मैं बिल्कुल नई हूँ अभी। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं है, कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, उसके लिए सॉरी। और एंड तक मेरे वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको थोड़ा सा 100 में से अगर 1% भी अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बार बार मैं यही कहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ, जुड़कर काम करना चाहती हूँ। बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ, अपने घर पे बैठ के कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बस यही मेरी कामना है, यही मैं चाहती हूँ। मैं अब पूरी ओढ़नी की गोटा लगा लेती हूँ फटाफट से। अभी तो थोड़ा सा ही लगाया। अभी देखो ये सुई है और ये धागा, इसी की मदद से मैं सारा गोटा लगाऊंगी। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर लेना। आपका लाइक मुझे यही सिखाएगा कि हाँ मैंने अच्छा वीडियो बनाया है, कि कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं तो 1% पसंद करते हो ना तो भी लाइक कर देना। देखो ऐसे गोटा लगाऊंगी मैं, सारी ओढ़नी के लगाऊंगी, पूरी ओढ़नी के गोटा लग जाएगा ना, फिर आपको पूरा लुक दिखाऊंगी अपनी ओढ़नी का। फिलहाल इतना सा लगाया, देखो ऐसे लगाया। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, छोटा सा वीडियो डालूंगी इसके लिए, मैं आपको पूरा लगा लूँ उसके बाद बताती हूँ आपको। सो गाइज, मैंने अपना पूरी ओढ़नी की गोटा लगा लिया है, और कैसी लगी आपको आप जरूर बताना। देखो ये सारी लगा ली मैंने, एंड हो गया इसका। लास्ट में हम इसको यहाँ से पैक कर देंगे ताकि ये निकले नहीं वापस से गोटा। देखो अच्छे से लगा लिया है मैंने। अब देखो हम करेंगे इसकी फोल्डिंग। गोटा अच्छा है, देखो मुकेश वर्क का काम है, वाइट जैसा गोटा है, जैसा ही गोटा लगाया मैंने। अब इसकी फटाफट कर लेंगे हम फोल्डिंग, फिर मेरा बेटा आ जाएगा पूरब तो वो शैतानियाँ करेगा इधर उधर। हम जल्दी से इसके फोल्डिंग कर लेते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? और इस पे ये सूट है वो एकदम बंदेज का है, रेड कलर का है सूट, जो कि बंदेज का है, उसमें बंदेज दी हुई है, एक तो वाइट और एक येलो, तो अच्छा लगेगा कंट्रास्ट में ये ओढ़ना उस पर रेड कलर का। रेड कलर का सूट और येलो कलर का ओढ़ना,
अच्छा लगेगा। कंट्रास्ट में ही मैंने उस पर मंगजी निकलवाई है, जो जब स्टिच होगा ओढ़ने में ऐसे पहले ही लगा लेती हूँ। ये एक ओढ़ना पड़ा था मेरे पास, बाकी मैं ओढ़ने के हाथों हाथ गोटा लगाती हूँ। तुरंत आया सूट तो बाद में स्टिच होता रहता है, बट ओढ़ने के गोटा लगा के मैं रख देती हूँ, ताकि हमारा सूट जब स्टिच होना तो ये प्रॉब्लम ना हो कि हमारे ओढ़ने के गोटा ही नहीं लगा हुआ है। जब गोटा रेडी रहेगा ना, तो स्टिच होते ही हम वियर कर सकते हैं अपना सूट। आप बताना, और मेरे चैनल को फिर से कह रही हूँ एक बार कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ये मेरा ओढ़ना हो गया कंप्लीट, अभी से हम फोल्ड करके रख देंगे। काफ़ी अंधेरा हो रहा है क्योंकि बारिश का सा मौसम हो रहा है, बारिश आती भी नहीं है और मौसम भी अच्छा नहीं रहता है। आज का व्लॉग मेरा इतना ही था, मिलते हैं अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में। ये देखो मेरा ओढ़ना रेडी हो गया है, आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, और मेरे न्यू सब्सक्राइब को मेरा थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।